मैक्स अस्पताल के मामले में जैसे ही पीड़ित परिवार को मैक्स अस्पताल के लाइसेंस रद्द के सटे की सूचना मीडिया से मिली तो परिजन काफी गुस्से में अस्पताल के आगे आए हैं और अनशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनका कहना है बिना इनका पक्ष जाने कैसे लाइसेंस रद्द पर सटे हो गया। सब जांच में अस्पताल दोषी है और इनसे वाई डॉक्टर्स गिरफ्तार होंगे। तब इन लोगों ने धरना खत्म किया था, लेकिन अब न तो वे डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए, उल्टे अस्पताल को फिर से शुरू करने की सूचना इनको मिली। मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के आगे मृतक बच्चे के दादा कैलाश और रिश्तेदार हरिसिंह घर के दूसरे मेंबर्स और महिलाओं समेत धरने पर बैठ गए हैं। साथ में पीड़ित परिवार का वकील भी अस्पताल के आगे मौजूद है और सवाल कर रहे हैं इनका पक्ष तक नहीं जाना और लाइसेंस सटे कैसे हो गया। फिलहाल कुछ मरीज तीमारदार दोबारा और कैलाश जी, आज क्यों आपका आना हुआ, क्या कारण रहा, कितने लोग यहाँ पर आए हैं? सर अभी हमारे लोग आना चालू हो चुके हैं, क्योंकि हमारे को अभी ये पता लगा है कि मीडिया में खबर ये आ रही है कि जो मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस है जो दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है, तो हमारे को ऐसा कुछ खबर मिली है कि लाइसेंस दोबारा से इसमें ईडब्ल्यूएस वालों का वगैरह का इलाज चालू कर दिया है, तो हम दोबारा से अपना धरना प्रदर्शन चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को अभी इंसाफ नहीं मिला है, ना ही तो डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस हॉस्पिटल को दोबारा से चालू करने की प्रतिक्रिया करी है, तो इसके खिलाफ हम दोबारा से अपना धरना प्रदर्शन चालू करके हम तक जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट जारी रखेंगे। बताया जा रहा है ये जो धरना जो बताया जा रहा है जो इनको परमिशन दिया है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के जो पेशेंट्स है उन्हीं का, नया एडिशन कोई नहीं होगा इसमें। जब जैसे ही घोटाला कर रहे हैं तो क्या दिल्ली सरकार के पास इसके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या इलाज करने के लिए? और भी तो बहुत हॉस्पिटल है, वहाँ भी इनका इलाज हो सकता है। ये इनको सबक सिखाने के बजाय मुझे तो ये लग रहा है कि कोई सरकारी से मिल चुकी है, एलजी इनसे मिल चुका है जो कि इनको दोबारा लाइसेंस दिया है। हमारे को परिवार को सूचित भी नहीं किया, हमारे को बताया भी नहीं, हमारे से पूछा भी नहीं गया भाई हम ये फैसला ले रहे हैं, हमारे को क्या न्याय मिला? हम ये ही पूछना चाहते सरकार से और एलजी साहब से ये पूछना चाहते कि हमारे को क्या इंसाफ मिला? हमारे जो बच्चे मरे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लाइसेंस दोबारा देने की बातचीत हो रही है, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम अपना धरना दोबारा से चालू कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए, कब तक बैठे हुए? अभी हमारे को धरने का अभी हम आ रहे हैं, हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, हम इससे पहले तो हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अब हमारा ये प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन होगा, अब हमारा ये प्रदर्शन दोबारा से जारी रहेगा। ठीक है, दिल्ली सरकार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में, राज्य सरकार का मालिक मुख्यमंत्री होता है। जब मुख्यमंत्री बयान दे रहा है, मुख्यमंत्री जब कह रहा है कि इसको सस्पेंड होना चाहिए, सारे सर्वे कराने के बाद ये कैंसिल हुआ है, फिर इसने बहाल कैसे कर दिया एलजी ने? लेकिन बताया जा रहा है स्टे तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों का इलाज हो रहा है। स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर ये चालू रनिंग में कैसे आ गया? रनिंग में क्या मतलब होता है? अभी आप धरना कितने दिनों तक देंगे, किस तरह की धरना जब तक देंगे जब तक ये खुलता रहेगा या कोई इस पर आश्वासन मिलेगा कि खुल रहा है खुल रहा है, हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, और रात दिन करेंगे, 24 घंटे करेंगे और 300 दिन करेंगे।